हम शुरू करने लगे एक नया टॉपिक जिसमें जिसको मैंने पहले ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था कि वो अल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व होगा, मगर चूंकि बहुत सारे लोगों को स्टिल कन्फ्यूजन थी तो ये फिर से आप लोगों के लिए पेशी खिदमत है। इसके अंदर वही है मॉडल 3 है जिसके अंदर मनी एंड इंटरेस्ट रेट भी अब आपका यानी कि हम LM मार्केट को भी लेंगे, मगर अब इसमें LM मार्केट यानी कि जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि AR ये R जो है ये रिज़र्व बेस है प्लस JR ये R जो है इंटरेस्ट रेट है। मनी सप्लाई जो है वो अब इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है, AR जो है ये कांस्टेंट पार्ट है, ठीक है, एग्जॉजनसली कांस्टेंट है और ये JR। बाकी सब तो तफसीलात आपको पहली वीडियोस में बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन है उसमें मिल जाएंगे। पहले हम लोगों ने चलना है इनकी डेरिवेशन पर, ये मैंने दो पार्ट्स बता दिए। ये है आपका IS के इक्विलिब्रियम और ये है आपका LM यानी कि मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इनके अंदर हम लोग इनको पुट करेंगे और अब आगे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं चल रही हूँ IS की तरफ, ठीक है जी, IS की इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ये आप लोग कह लें कि हम लोग गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम ड्राइव करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम वो किस तरीके से मालूम होगा, हमारे पास C+I+G सारा कुछ अवेलेबल है, हमने जो है सिर्फ ये इक्वेशंस जो हैं वो इन इक्वेशन के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास है Y=C+I+G, ठीक है। अब मैंने पहले तो C की जगह कंजम्पशन की इक्वेशन लिख दूंगी, C0+CYD प्लस I की जगह आ जाएगा I0+VR प्लस G की जगह आ जाएगा G*, ठीक है। अब ये YD यानी कि डिस्पोजेबल इनकम, इसकी जगह मैं वो रख दूँगी C0+CY-T प्लस I0-VR+G*, ठीक है। अब चाहे तो पहले इसको खोल के प्री टैक्सेस वाली इक्वेशन रख लें या चाहे तो डायरेक्ट टैक्सेस वाली रख लें, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम Y=C0+CY-CT प्लस I0-VR+G*, ठीक है। अब टी की जगह मैं टैक्सेस की जो इक्वेशन है यहाँ पे वो रख दूँगी प्लस CY-CT की जगह आ जाएगा T*, जो कि कांस्टेंट है, प्लस XY प्लस I0-VR+G*, ठीक है जी। अब ये सी जो यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा C0+CY-CT*-CXY+I0-VR+G*, ठीक है। अब आपके पास कांस्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो ये सी कांस्टेंट है, ये टी कांस्टेंट है, ये I0 कांस्टेंट है और ये जी कांस्टेंट है। इनको एक तरफ एक साइड पे ले आएंगे क्योंकि ये इंटरसेप्ट की टर्म बनेगा, ठीक है। C0-CT+I0+G*, ये -VR यहीं रहेगा इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। और जो ये Y वाली टर्म्स हैं, ये CY और ये मैं दूसरी तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे Y-CY ये माइनस में -CXY बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें से Y कॉमन आ सकता है, Y1-C+CX, ठीक है, ये C0-CT+I0+G*-VR, ठीक है। अब यहाँ से C भी आ जाएगा कॉमन, 1-C+X, ठीक है। अब ये पूरा हो जाएगा के पास नहीं हूँ तो इसको -VR डन। अब मैं क्या करूँगी, इसको मुझे सॉल्व करना है इंटरेस्ट रेट के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये R वाली टर्म इधर ले आऊँगी, Y वाली उधर ले जाऊँगी। तो VR=C0-CT+I0+G*, ठीक है, -1-C 1
प्लस तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, सही, वन माइनस एक्स वाई, और जब आर के सॉल्व होगा तो वी जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे। अगले टर्म पे लेके जा रही हूँ इसको, तो अब ये टर्म क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी स्टार अपॉन वी माइनस वन माइनस सी वन माइनस एक्स अपॉन वी और ये वाई। ये आ गई आपके पास आई एस की क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये तो आपके पास गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम आ गया। अब हमें चाहिए मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, यानी कि एल एम की इक्वेशन। एल एम की इक्वेशन मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, ठीक है, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी कि मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई, ठीक है। अब हमने इसमें जो है वही क्वेश्चंस रखनी है और उसको इंटरेस्ट रेट के लिए सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मनी डिमांड आपके पास इक्वेशन गिवन थी, के वाई माइनस एम आर, यही क्वेश्चन है जो मैंने लिखवाई है। और मनी सप्लाई चूँकि अब आप कांस्टेंट नहीं है, वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन बन चुका है, तो ये है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने इसको जो है वो इंटरेस्ट रेट के लिए मज़ीद सॉल्व कर लेना है, यानी कि ये जो है ये टर्म्स मैं एक जगह कर दूँगी और बाकी एक जगह ले आऊँगी, ठीक है। एन के एम नॉट ये माइनस ए आर डैश प्लस के वाई यहाँ पे रहेगा, अब इंटरेस्ट रेट का मैं टर्म्स यहाँ ले जाऊँगी, एम आर प्लस जे आर, आर एक कॉमन आ जाएगा, एम प्लस जे, ठीक है, ये के आपका जो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि वाई के साथ है, ये आपका दोनों इंटरसेप्ट का टर्म, ठीक है, आर ठीक है, एम प्लस जे के अपॉन एम प्लस जे वाई, ये आ गई आपके पास एल एम की इक्वेशन, ठीक है जी। मैंने क्या किया, आर में यहाँ पे आर जो है वो कॉमन आ रहा था, मैंने इंटरेस्ट रेट कॉमन ले लिया, एम प्लस जे आ गया मेरे पास ब्रैकेट में, मुझे आर के ही सॉल्व करना था, ये जो एम प्लस जे था मल्टीप्लाई और था, मैंने डिवाइड कर दिया, ये इंटरसेप्ट की टर्म के साथ अलहदा हो गया, और ये जो स्लोप का टर्म बन रहा था एल एम उसके साथ अलहदा डिवाइड हो गया। वैसे आप एक जगह ही कर लो वो भी इशू नहीं है, मगर ये दो अलहदा अलहदा टर्म्स है, इंटरसेप्ट अलहदा होता स्लोप अलहदा होता तो अलहदा ही रखा जाए बेटर है, ठीक है। अब हमें चाहिए एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हमने अब उसके आगे भी उसके मल्टीप्लायर्स भी फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लायर्स जो होते हैं वो आपके एग्रीगेट डिमांड्स मालूम होते हैं। तो अब है ऑल ओवर का इक्विलिब्रियम के एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बेसिकली आई एस इज इक्वल्स टू एल एम, यानी कि जहाँ मनी मार्केट और गुड मार्केट इक्वेट हो रही होती है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बन रहा होता है, ठीक। तो अब मैं आई एस और एल एम की इक्वेशन रखूँगी और उसको जो मैं सॉल्व करूँगी वो करूँगी वाई के लिए, ठीक है। पहले मैं आई एस की इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पर, सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी स्टार वी, ठीक है, ये वी छोटा था, ठीक है, सी माइनस एक्स वाई, अब एल एम की एम नॉट माइनस ए आर स्टार प्लस जे प्लस के अपॉन एम प्लस जे वाई, ठीक है जी।
अब क्या हो रहा है कि इसको मैंने वाई के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगी, ये वाली टर्म जो उधर ले जाऊँगी और ये जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म इधर रख लेंगी, ठीक। सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी स्टार अपॉन वी माइनस वन माइनस सी वन माइनस एक्स, तो सॉरी ये इधर आएगा ना, सॉरी 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 ये देखो सी नॉट माइनस सी टी प्लस आई नॉट प्लस जी स्टार कॉन्स्टेंट पार्ट इधर यानी कि ये एम नॉट माइनस ए आर स्टार अपॉन एम प्लस जे वन माइनस सी वन माइनस एक्स वी वाई, ठीक है। चूँकि यहाँ माइनस का साइन था वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस के एम प्लस जे वाई, अब दो हो जाएगा वाई वाई कॉन्स्टेंटली हो जाएगा, ठीक है। सॉरी वाई जो है वो कॉमन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं हो जाएगा, सॉरी। तो वन माइनस सी वन माइनस एक्स अपॉन वी प्लस के अपॉन एम प्लस जे, ठीक है। कॉन्स्टेंट पार्ट फिर से नीचे सेम वे बिल्कुल ऐसे ही नीचे हुए, ठीक है। अब ना चाहें तो इसको अब आप लोग सेम कर लीजिए, यानी कि इसका डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, चाहें तो मर्जी यानी तो ना करें, नहीं तो इसको ऐसे ही y को नीचे शिफ्ट कर दें, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा जो है ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, नॉट प्लस आई नॉट प्लस v माइनस एम नॉट माइनस ए आर स्टार एम प्लस जे होल डिवाइडेड बाय आपका वन माइनस सी वन माइनस एक्स वी, ठीक है। प्लस के अपॉन एम प्लस जे, यह है आपके पास एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लायर कैसे फॉर्म्स होते हैं और सब कुछ कैसे होगा, मज़ीद इसकी सॉल्विंग, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि एग्रीगेट डिमांड की सॉल्विंग क्या आ गई आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करें।